पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है, जमकर निशाना साधा महाराष्ट्र सरकार पर। उन्होंने इसे सिद्धांत विहीन सरकार बताया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकार लोगों को रास नहीं आएगी। नए साल के मौके पर पूर्व सीएम शिवराज शिरडी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व ही बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन था, लोगों ने इस गठबंधन को वोट दिया था ताकि दोनों पार्टी मिलकर यहां पर सरकार बनाए, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और दूसरे दलों के साथ मिलकर यहां पर सरकार बना ली, और इसीलिए उन्होंने इस सरकार को सिद्धांत विहीन सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार लोगों को रास नहीं आएगी। दरअसल नए साल के मौके पर पूर्व सीएम शिवराज शिरडी गए हुए थे। हर साल वो शिरडी जाते हैं और इस साल भी वो शिरडी पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने ये बयान दिया। तो शिरडी पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार लोगों को रास नहीं आएगी, प्रदेश में सिद्धांत विहीन सरकार। नए साल के मौके पर अपने परिवार के साथ पूर्व सीएम शिवराज शिरडी पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार को वोट दिया था, लेकिन उनके सहयोगी दल ने उनका साथ नहीं दिया और दूसरे दलों के साथ मिलकर यहां पर सरकार बना ली, इसीलिए ये सिद्धांत विहीन सरकार है और प्रदेश के लोगों को ये सरकार रास नहीं आएगी। चुनाव पूर्व गठबंधन था और गठबंधन को बहुमत मिला था इसलिए कि भाजपा शिवसेना की युति सरकार चलाए। अब उस जनादेश का सम्मान होना चाहिए था, वो हमारे सहयोगी दल ने जो अब सरकार में नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये सिद्धांत विहीन सरकार किसी को रास नहीं आएगी। तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो जनसमर्थन मिला था वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को मिला था, लेकिन उनके सहयोगी दल ने उनका साथ नहीं दिया और दूसरे दलों के साथ मिलकर यहां पर सरकार बना ली। ये जो सरकार है वो सिद्धांत विहीन है और प्रदेश की जनता को ये सरकार रास नहीं आएगी। जो जनादेश का यहाँ पर अपमान किया गया है ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो दरअसल पूर्व सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ नए साल के मौके पर शिरडी गए हुए थे और यहीं पर उन्होंने ये बयान दिया। तो शिरडी पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार लोगों को रास नहीं आएगी, प्रदेश में सिद्धांत विहीन सरकार है।